दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को स्टेट पैन थ्रू आधार के ज़रिए से यानी कि फ्री में आप पैन कार्ड कैसे बना सकते हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, और उस वीडियो पे आप लोगों का काफ़ी सारा प्यार देखने को मिला है, हज़ारों लोग उसको देखे हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बता पूरा आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप फ्री में पैन कार्ड बना लिए हैं और पैन कार्ड आपका तो घर नहीं आएगा, क्योंकि वो पैन कार्ड घर आएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें आपको एक भी रुपया नहीं लगता है, तो घर लाने के लिए आपको पैसा कटाना पड़ेगा और वो पैन कार्ड आपका घर आ जाएगा। ये मैं नहीं, खुद जो ई फिलिंग वेबसाइट है वहाँ पे बताया जा रहा है कि आप इस तरह से पैन कार्ड को घर ला सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को पूरा दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश, आप देख रहे हैं नेट मास्टर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू। दोस्तों मैं आ गया गूगल पे। गूगल पे आने के बाद आपको ई फिलिंग लिखना है, वरना जहाँ से आपने जिस वेबसाइट से बनाया था फ्री में पैन कार्ड, वो आपका जो पैन कार्ड बना है मैं उसी वेबसाइट पर आ गया हूँ। आप लोग देख पा रहे हैं ई फिलिंग्स, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ से बिल्कुल फ्री में पैन कार्ड बनता है। जो लोग नहीं जानते हैं मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ से आप फ्री में पैन कार्ड बना सकते हैं, बट वो पैन कार्ड आपका घर नहीं आता है। तो चलिए उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब भी हैं, मैं आप लोगों को इस वीडियो में सभी जवाब दूँगा। अब चलिए मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इधर ही करना है, और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है इधर साइड में, स्टेट पैन थ्रू आधार, आप लोग देख पा रहे हैं स्टेट पैन थ्रू आधार। तो आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ से ही आपने पैन कार्ड बनाया होगा फ्री में। तो अगर आप फ्री में पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको आधार नंबर से यहाँ पर गेट न्यू पैन, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप सबसे लास्ट में देख पाइएगा। इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट में मैं इंड स्क्रीन में लगा दूंगा, या तो मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा लिंक, उस पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ से आप फ्री में बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो पैन कार्ड आपको घर नहीं आएगा। अब चलिए यहाँ से अगर ऑलरेडी आप लोगों ने पैन कार्ड अप्लाई कर लिया है तो वो पैन कार्ड आपका घर क्यों नहीं आया है, कैसे घर ला सकते हैं, सारे सवालों का जवाब मैं आप लोगों को देता हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर देखिए आपको मिल रहा है फ्रीक्वेंसी आस्क्ड क्वेश्चन, तो आपको इसी के ऊपर ही आपको क्लिक करना है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपके जितने भी सवाल हैं सभी का सभी जवाब आपको खुद ब खुद इस वेबसाइट से ही यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे सारे इंग्लिश में आएंगे, तो आप सभी जानते हैं कि क्रोम ब्राउज़र में ट्रांसलेट होता है बड़ी आसानी से। लोगों को विस्तार से समझाने के लिए चलिए मैं यहाँ पर मेनू पर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर ट्रांसलेट का ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद नीचे मैं हिंदी कर देता हूँ, तो ये सारा जितने भी इंग्लिश में वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरी डिटेल मुझे यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे शुरू में आपको पूछ रहा है यहाँ पे कि पेन क्या है, यानी कि ये पेन क्या है, यहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा पेन। यहाँ पे आपको यानी कि बहुत सारे सवाल हैं। अब चलिए मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ कि आपका पैन कार्ड घर कैसे आ सकता है, क्योंकि आपने इसलिए मेरा वीडियो देखा है क्योंकि आप अपना पैन कार्ड को घर लाना चाहते हैं। तो ई पेन क्या है, आप लोग देख पा रहे हैं ई पेन क्या है, इसका जवाब भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ई पेन आयकर विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप से जारी एक डिजिटल हस्तांतरित पेन क्या पैन कार्ड है, यानी कि एक डिजिटल हस्तांतरित, मतलब कि इसमें आपको पैन कार्ड के सिग्नेचर नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल डिजिटल हस्तांतरित पैन कार्ड होता है, यानी कि ऑनलाइन पैन कार्ड होता है। यहाँ पे आपको जितने भी आपको मिल रहा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं क्यू आर कोड रीडर कहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आपको डाउनलोड लिंक भी आपको मिल रहा है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर मेरा आधार कार्ड सक्रिय नहीं हो तो क्या मैं पैन के लिए आवेदन कर सकता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं नो, आप आवेदन नहीं कर, खुद पढ़ लीजिए। अब चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप अपने पैन कार्ड घर कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं मुझे एक भौतिक पैन कार्ड कैसे मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 27 में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ये पूछा जा रहा है कि मुझे एक भौतिक पैन कार्ड कैसे मिलेगा, और ऊपर में बोल रहा है क्या मुझे भौतिक पैन कार्ड मिलेगा, तो इसका जवाब होगा नहीं। आप लोग देख पा रहे हैं नहीं, आपको ई पैन कार्ड जारी किया जाएगा जो पैन का एक वैध रूप है, यानी कि आपको पैन कार्ड ऑनलाइन ही दिया जाएगा जो पैन कार्ड का एक वैध रूप है, उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिंट आउट करके। लेकिन अगर आपको मोटा वाला जो कार्ड चाहिए जो पोस्ट ऑफिस द्वारा आता है, उसका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 पर क्लिक करना है, और देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि पैन आवंटित किया गया है तो आप नीचे दिए गए लिंक पर पैन सबमिट करके एक मुद्रित भौतिक पैन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो ये वेबसाइट खुद बोल रहा है कि अगर आपने यहाँ से पैन कार्ड बना लिया तो आप इन जो लिंक है NSDL का और UTI का, जहाँ से ऑफिशियल पैन कार्ड बनता है,
तो आप उन लोगों की वेबसाइट पर जाकर रीप्रिंट कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं रीप्रिंट कौन होता है, यानी कि जिसका पैन कार्ड गुम हो जाता है तो वो लोग रीप्रिंट करते हैं, तो उन लोगों का फिर से पैन कार्ड मोटा वाला घर आ जाता है। तो आपको रीप्रिंट करना है, अपना पैन नंबर देकर आपको रीप्रिंट करना है। आप चलिए मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। तो आपको सिंपल इस लिंक के ऊपर ही क्लिक करना है, जो लिंक यहाँ मिल रहा है आपको इसके ऊपर, उसके बाद आपको कंफर्म के ऊपर ही क्लिक कर देना है। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये आपको ऑनलाइन सर्विस NSDL के वेबसाइट पर आपको ट्रांसफ़र कर देगा। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर करना, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको पैन नंबर यहाँ पर मांग रहा है। तो यहाँ पे सिंपल आपको पैन नंबर आपको डालना है, उसके बाद आधार नंबर डालना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो भी है, और GST आपको यहाँ पे ऑप्शनल है तो इसको आप छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो है इसको आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको नीचे आइएगा तो यहाँ पे जो भी कैप्चा है इस कैप्चा को आपको यहाँ पर भर देना है और उसको सबमिट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये पैन कार्ड आपका घर आ जाएगा, बट यहाँ पे आपको 50 रुपये फीस भी देने पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिख भी रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं, आपको 50 रुपया आने के पे करना पड़ता है। तो दोस्तों अगला जो पेज आएगा, इसके जो सारे डिटेल आप सबमिट कर दोगे, मैंने तो ओरिजिनल पैन कार्ड बनाया तो मैं सबमिट करके इसलिए नहीं दिखा, मैंने बहुत सारे लोगों के यहाँ से भी बना दिया है लेकिन वो मेरे पास फ़ोन नहीं। यहाँ पर जब अपना डिटेल डालोगे उसके पास आपके फ़ोन में OTP आएगा, जो रजिस्टर करते समय जो फ़ोन नंबर दिए थे उस पर एक OTP आएगा, उस OTP को डाल दीजिएगा, उसके बाद पेमेंट कर दीजिएगा 50 रुपये का। उसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा और कस्टमर केयर नंबर आपको NSDL का भी मिल जाएगा, वहाँ से जानकारी ले सकते हैं, और जहाँ से आपने पैन कार्ड अप्लाई किया था ई फिलिंग्स वहाँ का भी कस्टमर केयर आप संपर्क कर सकते हैं। जो आपके ऑनलाइन पैन कार्ड जो आपको प्रोवाइड किया जाता है उसमें कस्टमर केयर का नंबर भी होता है, तो वहाँ से आप कॉल करके पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहां से पैन कार्ड को रिप्रिंट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दोस्तों कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ।